Let us enjoy. The minute the bell rings for the lunch break in the school, the children finish their lunch quickly. जैसे ही स्कूल की बेल रिंग करती है लंच ब्रेक के लिए, बच्चे अपना लंच फटाफट ख़त्म कर लेते हैं. दे रश टू द प्ले ग्राउंड विद बैट बॉल एंड बैडमिंटन रैकेट्स. वो फटाफट प्ले ग्राउंड में भागते हैं, ग्राउंड में भागते हैं बैट बॉल के साथ और बैडमिंटन रैकेट्स के साथ. मेनी चिल्ड्रन गो टू द स्विंग्स एंड ईट द टिफिन वाइल वेटिंग फॉर देयर टर्न. बहुत सारे बच्चे स्विंग्स पर चले जाते हैं, अपना टिफिन खाते हैं और वेट करते हैं कि उनकी बारी कब आएगी. सम चिल्ड्रन रीड स्टोरी बुक्स एंड एक्सचेंज देयर बुक्स विद देयर फ्रेंड्स. कुछ बच्चे स्टोरी बुक्स पढ़ते हैं और कुछ बच्चे या फ्रेंड्स एक दूसरे से अपनी बुक्स एक्सचेंज कर लेते हैं. स्कूल इज ग्रेट फन बट द लंच ब्रेक इज़ द फेवरेट टाइम ऑफ द चिल्ड्रन. स्कूल वैसे तो बहुत अच्छा है, बहुत मज़े आते हैं स्कूल में, बट लंच ब्रेक बच्चों का फेवरेट टाइम होता है. एवरीवन रिलैक्सेस एंड गेट्स रेडी फॉर द वर्क अहेड. सारे बच्चे उस लंच ब्रेक में आराम करते हैं, रिलैक्स करते हैं और फिर आगे जो पीरियड्स आते हैं उनके लिए रेडी होते हैं. द टेंशन एंड द टायर्डनेस गोज अवे. जो टेंशन और जो टायर्डनेस उन्हें होती है लंच ब्रेक में वो चली जाती है. The mind and body is filled with a new energy for the work ahead. हमारी माइंड और बॉडी एक नई एनर्जी से भर जाती है जिससे हमें आगे काम करना है. At home, the playtime of children starts in the evening. घर पे जो बच्चों का प्ले टाइम होता है वो इवनिंग में शुरू होता है. After finishing their homework, जब अपना होमवर्क ख़त्म कर लेते हैं. Many children go to the sports complex or the park to play with their friends. बहुत सारे बच्चे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जाते हैं या फिर पार्क में जाते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ खेलने के लिए. सम चिल्ड्रन सेट अप स्क्रैबल और कैरम बोर्ड इन द वरांडा एंड द फन ऑफ द चिल्ड्रन ऑल्सो एंजॉय बिल्डिंग मॉडल्स और एयरक्राफ्ट्स कार्स आर मेकिंग पेंटिंग्स. कुछ बच्चे स्क्रैबल करते हैं, कुछ बच्चे कैरम बोर्ड बनाते हैं, वरांडा में खेलते हैं, मॉडल्स बनाते हैं एयरक्राफ्ट्स के, कार्स बनाते हैं, पेंटिंग्स बनाते हैं. देर आर चिल्ड्रन हु राइट पोएम्स और सिंग सॉन्ग्स इन देयर फ्री टाइम. कुछ बच्चे अपनी खाली टाइम पे पोएम्स लिखते हैं, गाने गाते हैं. बहुत से चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स लुक फॉरवर्ड टू स्कूल हॉलीडेज different places of interest or to meet relatives living far away. Children और parents दोनों ही जब school की छुट्टियाँ होती हैं तो वो नए places पर जाते हैं या फिर अपने relatives से मिलने जाते हैं जो कि दूर रहते होते हैं. Many leisure time activities become full-time occupation when the children grow up. Leisure time activities वो activities होती हैं जो कि हमारी free time activities हैं, जैसे कि हम carrom board खेल रहे हैं, हम क्रिकेट खेलने चले गए. कुछ एक्टिविटीज़ हमारी फुल टाइम ऑक्यूपेशन बन जाती है जब हम बड़े हो जाते हैं. तो अ चाइल्ड हु लव्स टू राइट मे बिकम अ राइटर और अ न्यूज़ रिपोर्टर. अगर एक बच्चे को लिखना पसंद है तो वो बड़े होकर राइटर भी बन सकता है और न्यूज़ रिपोर्टर भी बन सकता है. अ चाइल्ड हु इज़ फॉन्ड ऑफ बिल्डिंग मॉडल्स मे बिकम एन इंजीनियर. एक बच्चा जिसको मॉडल्स बनाने का बहुत शौक है वो बड़े होकर इंजीनियर भी बन सकता है. If you want to become a sports person, you have to start your training. अगर तुम्हें स्पोर्ट पर्सन बनना है तो तुम्हें भी ट्रेनिंग अपनी शुरू करनी पड़ेगी. As many great sports personalities of the world had started playing that part sport as a leisure time activity in their childhood. क्योंकि जो बड़ी बड़ी great sports personality हैं हमारे दुनिया में, हमारे इंडिया में, उन सब ने खेलना अपने बचपन में शुरू किया था, वो भी एक लेजर टाइम एक्टिविटी की जैसे. लेजर टाइम इज़ इम्पॉर्टेंट नॉट ओनली फॉर चिल्ड्रन बट ऑल्सो फॉर ग्रोन अप्स. लेजर टाइम हमारे लिए ही नहीं बल्कि ग्रोन अप्स के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है. मैनी ग्रोन अप पीपल गो टू प्ले बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट, चेस, कार्स एंड म्यूजिक प्रोग्राम्स विद देयर फ्रेंड्स एंड फैमिली. बहुत सारे ग्रोन अप पीपल बास्केटबॉल खेलने जाते हैं, वॉलीबॉल खेलने जाते हैं, क्रिकेट खेलने जाते हैं, चेस, कार्ड्स, म्यूजिक प्रोग्राम्स अटेंड करने जाते हैं अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के साथ.
Some women knit or embroider together. काफ़ी वुमेन्स कपड़े बुनती हैं साथ में. दे ऑल्सो लव टू एक्सचेंज रेसिपीज. वो उनको रेसिपीज एक्सचेंज करना भी बहुत पसंद होता है. सम पीपल रीड बुक्स और इन्जॉय वॉचिंग मूवीज़. कुछ लोगों को बुक्स पढ़ना बहुत पसंद होता है और मूवीज़ देखना बहुत पसंद होता है. योगा एक्सरसाइजेस, साइकिलिंग एंड गोइंग टू जिमनेजियम आर पॉपुलर विद हेल्थ कॉन्शियस पीपल. योगा एक्सरसाइज, साइकिलिंग एंड जिम जाना बहुत पॉपुलर है, जो कि बहुत हेल्थ कॉन्शियस रहते हैं पीपल, उनके लिए बहुत ज़्यादा मतलब हेल्थ की केयर करते हैं अपनी. इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट एवरीवन फॉलो सम लेजर टाइम एक्टिविटी. बहुत ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि सबको लेजर टाइम एक्टिविटी फॉलो करनी चाहिए. इट मे बी रीडिंग न्यूज़पेपर्स, बुक्स, हाउसफुल जॉब्स, मॉर्निंग एंड इवनिंग वॉक. वो रीडिंग न्यूज़पेपर्स भी हो सकता है, बुक्स भी हो सकता है, हाउसफुल जॉब्स करना भी हो सकता है, मॉर्निंग और इवनिंग वॉक भी हो सकता है, लिसनिंग टू रेडियो, वॉचिंग टेलीविजन, रेडियो सुनना, टीवी देखना, गार्डनिंग करना, गॉसिपिंग विद चिल्ड्रन एंड फ्रेंड्स, अपने चिल्ड्रन से या अपने फ्रेंड्स से बात करना, सिंगिंग भजन्स गाना, इन्वाइटिंग फ्रेंड्स एंड होम, अपने फ्रेंड्स को अपने घर बुलाना एट्सेट्रा. लेजर टाइम एक्टिविटीज़ कीप इज बिजी फिजिकली एंड मेंटली, दे ब्रिंग जॉय इन आवर लाइव्स. जो लेजर टाइम एक्टिविटीज़ होती हैं वो हमें बिजी रखती हैं फिजिकली और मेंटली, दिमाग से भी और पैसे भी हमें वो बिजी रखती हैं एंड वो हमारे लाइव्स में जॉय लाती हैं. मिस्टर सूरज मनचंदा रिटायर्ड एज अ बैंक मैनेजर. मिस्टर सूरज मनचंदा रिटायर हो गए थे अपनी जॉब से, जो उनकी बैंक मैनेजर की जॉब थी. ही हैड अ लॉट ऑफ टाइम ऑन हिज हैंड्स. उनके पास बहुत सारा टाइम होता था. ही रियलाइज्ड मेनी ऑफ द ओल्ड पीपल हैड अ लॉट ऑफ टाइम बट नो फ्रेंड्स और एंटरटेनमेंट. उन्होंने देखा कि बाकी जो ओल्ड पीपल हैं उनके पास भी बहुत सारा टाइम है, लेकिन ना उनके पास कोई फ्रेंड्स है और ना ही कोई एंटरटेनमेंट चीज़ करने के लिए. ही ऑर्गेनाइज एन एल्डरली फोरम. उन्होंने एक एल्डरली फोरम ऑर्गेनाइज किया. मेनी पीपल ज्वाइन द ग्रुप. बहुत सारे लोगों ने उनका ग्रुप ज्वाइन भी किया. रेगुलर पिकनिक्स, एक्सकर्शंस फ्रॉम शोज, लेक्चर्स, सेमिनार्स एंड म्यूजिकल इवनिंग्स ब्रॉट अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस इनटू द लाइव्स ऑफ मेनी ओल्ड पीपल. उन्होंने वहाँ पर पिकनिक्स की, फिल्म शोज, लेक्चर्स, सेमिनार्स, म्यूजिकल इवनिंग्स, जिससे सबके फेस पे बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस आई, इनकी लाइफ्स में हैप्पीनेस आई और वो सब बहुत खुश थे. लेसन एट, लेट अस एंजॉय क्वेश्चन आंसर्स. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. नेम फोर गेम्स दैट द चिल्ड्रन लाइक टू प्ले इन द स्कूल. ऐसे चार गेम्स जो कि बच्चों को बहुत पसंद होती है अपने स्कूल में खेलना. चिल्ड्रन लाइक टू प्ले इन स्कूल हाइड एंड सीक, फुटबॉल, स्किपिंग, बैडमिंटन. बच्चों को स्कूल में खेलना क्या क्या पसंद होता है, जैसे कि हाइड एंड सीक, छुपन छुपाई, फुटबॉल, स्किपिंग, बैडमिंटन. व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ लेजर टाइम एक्टिविटीज. लेजर टाइम एक्टिविटीज़ मतलब जो एक्टिविटीज़ हम अपने फ्री टाइम में करते हैं, उनके हमें क्या बेनिफिट्स होते हैं. लेजर टाइम एक्टिविटीज़ कीप अस बिजी मेंटली एंड फिजिकली. जो हमारी फ्री टाइम की एक्टिविटीज़ होती है वो हमें बिजी रखते हैं मेंटली और फिजिकली, दिमाग से भी और वैसे फिजिकली भी. दे ब्रिंग अस जॉय इन आवर लाइव्स. वो हमारी ज़िंदगी में खुशी लाते हैं, जॉय लाते हैं. लेजर टाइम एक्टिविटीज़ एंड कैन बी फॉलोड इनसाइड अ होम. लेजर टाइम एक्टिविटीज़ जो कि हम अपने घर में कर सकते हैं. लेजर टाइम एक्टिविटीज़ फॉलोड इन साइड अ होम आर प्लेइंग बोर्ड गेम्स, जैसे कि चेस, लूडो, वॉचिंग टीवी, टीवी देखना, रीडिंग स्टोरी बुक्स, बुक्स रीड करना, मेकिंग पेंटिंग्स, ड्राॅइंग्स बनाना. वाई इज़ इन इम्पॉर्टेंट फॉर ग्रोन अप्स टू हैव डिफरेंट हॉबीज़. क्यों इम्पॉर्टेंट है ग्रोन अप्स के लिए, जैसे बच्चे बड़े हो रहे हैं, डिफरेंट हॉबीज़ होना, अलग अलग हॉबीज़ होना उनके लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है. इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ग्रोन अप्स टू हैव डिफरेंट हॉबीज़ टू कीप देमसेल्व्स एक्टिव. ग्रोन अप्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट हॉबीज़ होना इसलिए इम्पॉर्टेंट है ताकि वो उन्हें एक्टिव रखें, उन्हें वो फिट रखे और हेल्दी रखे. हॉबीज़ रिलैक्स देयर माइंड एंड बॉडी. हॉबीज़ माइंड को बहुत ज़्यादा रिलैक्स करते हैं और बॉडी को भी.
List 4 activities that the old people in your family follow to keep themselves fit and activities. ऐसी 4 activities जो कि old people, जो कि हमारी family में हमारी grandmother और grandfather follow करते हैं ताकि वो fit रहें और active रहें. Old people in our family do these activities. Old people in our family, हमारे घर में जो old people हैं वो ये सारी activities करते हैं. Walk in a park, पार्क जाकर वॉक करना, चलना, योगा एंड एक्सरसाइज, योगा करना, एक्सरसाइज करना, रीडिंग बुक्स एंड न्यूज़पेपर, बुक्स पढ़ना, न्यूज़पेपर्स पढ़ना रोज़, शेयरिंग हाउसहोल्ड कोर्स, जो भी हमारे घर में काम होते हैं उनमें हेल्प करना. नेम योर फेवरेट हॉबी, व्हाई डू यू लाइक इट, आपकी फेवरेट हॉबी क्या और आपको वो क्यों पसंद है. My favorite hobbies are reading books, playing cricket, any sport and do art and craft. मेरी फेवरेट हॉबीज़ है बुक्स पढ़ना, क्रिकेट खेलना या फिर कोई भी स्पोर्ट और आर्ट एंड क्राफ्ट करना.